Hi guys, welcome back to Class of Planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide for your class. उन students के लिए जो MCQ2 के लिए जरूरत से ज़्यादा serious हैं कि यार इस paper को कैसे crack करना है और उनके लिए जो भी ज़्यादा crack नहीं कर पाए हैं अभी तक. तो guys पहले क्या करना, इस क्लास में मैं पूरा पूरा आपको बताने वाला हूँ कि MCQ2 ब्रिटिश एग्जाम के लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चंस या कौन से सिनेरियोस को ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग ऑल द नामास. Along with that, you guys are going to get to know कि हमें क्या-क्या करना है, कैसे आंसर लिखने हैं. It's not about the storylines. सीरीज में स्टोरीलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा वीडियोस देख चुके हैं आपने, ऑलरेडी वीडियोस हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, चाहे थीम्स है, चाहे रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो प्लॉट है. यहाँ पे हम वर्कआउट करने वाले हैं उन टॉपिक्स को जो हमें पेपर के लिए प्रिपेयर करने, तो पेपर के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें एक एक चीज ऑन पहुंची. तो हम क्लास में आते हैं फाइनल डिस्कशन अबाउट MCQ2 द ब्रिटिश ड्रामा. तो यहाँ पे क्लास को शुरू होते दो चीजें लिए करते हैं, पहला क्लास को लास्ट देखना, सेकेंडली चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना है. वीडियो के लाइक नहीं होते, आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं, तो लाइक होना है उसे एप्रिशिएशन मिलती है, मेरे को भी मिलती है, मेरे को भी जरूरत है उसकी. अगर यहाँ आपने कहा सर हम कैसे डील करते हैं, तो यहाँ मैंने स्पेशली पूरे दो घंटे खराब करके आपके लिए तैयार किया कि यहाँ पे हम हर ड्रामे के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किस ड्रामा में क्या क्या पढ़ना है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, द MCQ2 फाइनल डिस्कशन. लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस, हियर वी आर हैविंग द ब्रिटिश ड्रामा. ब्रिटिश ड्रामा की बात नहीं कही, वीडियोस हर बार आएंगे सर, जैसे पेपर आता पेपर के हिसाब से सुनाने चेंज होता है, पेपर में पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग हैं, वेदर इट्स दिसंबर और जून अटेम्प्ट. हियर नंबर वन वी आर हैविंग द क्रिस्टोफर मार्लोव डॉक्टर फोस्टर. तो आपने ना सर डॉक्टर फोस्टर की बात की गई, तो इसमें हमें क्या करना है, कौन कौन सी चीजें ऑन पे रखेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो दिमाग अपने दिखाने की, डॉक्टर फोस्टर इज ऑल अबाउट द एनोटेशंस. गाइस पहले भी ये करते हैं, जब डॉक्टर फोस्टर की बात की जाती है तो एनोटेशन को सबसे पहले दिमाग में रखना. अगर आप एनोटेशन दिमाग में रखते हैं तो आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा. अब ये एनोटेशन अगर मैं बोलूं को कोर्स, कोर्स फ्रॉम द टेस्ट, टेस्ट में से कोट हमें याद होनी चाहिए. तो यहां पे आप प्लीज पेन और नोटबुक हाथ में ले रहे हैं ताकि आप लिख पाए जो है बोल. पहली चीज डॉक्टर फोस्टर के बारे में, डॉक्टर फोस्टर में हमें क्या करना है, हमें कोर्स याद रखना है, याद रखना है इसका कोट 100% मिलेगा एनोटेशन में आपको 100%. तो ये सबसे पहले प्रायोरिटी होगी, आप डॉक्टर फोस्टर कोट को सबसे पहले करेंगे, ये आपके लिए काम करने वाला है. आपने कहा कोट जिसको हम सर एनालाइज भी करेंगे पेपर में, और इवन अगर आप आंसर लिखेंगे तो वहां आपने कोर्स मेंशन करने हैं. कोर्स के हिसाब से बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है टुवर्ड्स द रीडर, वो आपके आंसर को जज करता है कि इस बच्चे ने टेस्ट को रीड किया हुआ है. सेकंड कम ऑफ नेक्स्ट वन, हियर वी आर हैविंग द एलिजाबेथन ड्रामा. सर याद रखना अगर एलिजाबेथन ड्रामा पे क्वेश्चन आता है तो यू नीड मेंशनिंग ऑफ डॉक्टर फोस्टर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि डॉक्टर फोस्टर इज ऑल अबाउट एलिजाबेथन ड्रामा. लो सर पहला पॉइंट हमारे डॉक्टर फोस्टर का एनोटेशन जनरल कोर्स के, सेकंड हमारे एलिजाबेथन ड्रामा या दिस इज एलिजाबेथन ड्रामा, इसको मोरालिटी प्ले भी कहते हैं गाइस. प्लीज मेक श्योर कि अगर मोरालिटी प्ले क्वेश्चन आते हैं हमें डॉक्टर फोस्टर के बेसिक पॉइंट्स बताने हैं, तो यहाँ आपको वीडियो देखनी होगी अभी जाके डॉक्टर फोस्टर की, तो यहाँ आगे मोरालिटी प्ले. यस यू गाइस नीड टू क्लियर व्हाट इज मीन बाय मोरालिटी प्ले, कैसे काम करता है. Then we need to about a tragic drama. The concept of tragic drama can be implemented in Dr. Forces. Yeah, we can see. तो यहाँ tragic drama concept भी जुड़ा हुआ है Dr. Forces. तो वहाँ पर हम सारी चीजें discuss कर रहे हैं. तो यहाँ आ गया. Tragic drama. Then one more thing we are having, the irony and the tragic dilemma. The irony and tragic dilemma, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे गाइस, प्लीज को क्लियर कीजिएगा.
The next part is Ani and the Tragic Dilemma. ये हमें on tip आना चाहिए. So these are things जो हमें on tip होनी चाहिए. हम कैसे clear करेंगे? लिखने का क्या concept होगा? इस पे ध्यान रखना है. मैं बताना चाहूँगा आप कैसे लिखेंगे इसे. तो guys यहाँ से theory class हमारी शुरुआत से doctor course तो ही हमें ना annotation ध्यान रखनी हमें course. अगर answer लिखो ज़्यादा better रहेगा आपके लिए. Then Elizabeth and drama, morality based, tragic drama, I mean tragic dilemma. And then the last we are having, sir, it is the Renaissance and Reformation. Please make it clear in your mind. This is all about the Renaissance and Reformation play. So here we are having the last phase. The Renaissance and Reformation play. तो गाइस ये वो टॉपिक हैं जो हमें क्लियर करने हैं फॉर दिस डिसेंबर 2019 पेपर फ्रॉम डॉक्टर फोर्सेस. ऑन टिप चाहिए, ये तो सिर्फ बिगिनिंग है. अभी बाकी के ब्लॉक्स बाकी हैं, मतलब ग्राम की बात कर रहा हूं जिन्हें बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक आना है. वो ये सारे के सारे मेरे नोट्स में आपको मिलेंगे. ये सब के सब मैंने मेंशन किया हुआ, आपको इजीली क्रैक कर लोगे. कोर्स के लिए मैंने कोर्स के नोट्स दे रखे हैं आप लोगों से. एमईजीयू में कोर्स के नोट्स दिए मैंने आप लोगों. एंड देन अलोंग विद दैट आपने कहा सर इस बार मॉक टेस्ट सीरीज भी आपने हाईलाइट किए. यस मैंने मॉक टेस्ट सीरीज दे दी है, बच्चे ले चुके ऑलरेडी. अगर आपने भी ग्रैब योर मॉक टेस्ट सीरीज ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं. वहां से आप ये सारी चीजें क्लियर करेंगे. तो ये तो क्या खाली फर्स्ट पार्ट का. जंप अप टू द सेकंड, दैट इज विलियम शेक्सपियर अमिट समर नाइट ड्रीम. तब हम नेक्स्ट स्टेज. आई होप ये आप लोगों ताल ये नहीं है तो प्लीज स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं मूव करता हूं आगे तक. तो हमारी कोशिश होगी कि हम हर चीज क्लियर करें, कॉन्सेप्ट पूरी समझ पाए. तो यहां सेकंड आता है अ मिडसमर नाइट ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर. अ मिडसमर नाइट ड्रीम. तो सर पहला जो टॉपिक आपको तैयार रखूंगा सेम अगेन द एनोटेशन कोर्स. ये वो दूसरा ड्रामा है जहां से कोर्स और एनोटेशन के मैक्सिमम चांस होते हैं. ये आपको दिमाग में है एंड यू नीड टू यूज इट. इसकी एनोटेशन सीरीज इसकी जो कोर्स दिया मैंने आपने खाली अगर आप असाइनमेंट के कोर्स ही पढ़ जाएंगे, अगर ये 6 टू 7 मैक्स में अगर खाली आप वो भी पढ़ जाएंगे तो दैट विल वर्क फॉर गाइस. उसके बाद कुछ नहीं आने वाला. तो आपने ना सबसे पहले हमने बात की वी आर हैविंग टॉपिक इज एनोटेशंस एंड कोर्स from the test that you guys need to write down in your answer. अपने answer में आपको लिखने हैं and that is really required. Come up next phase. Sir, इसको हम जानते हैं romantic comedy. याद रखना यहाँ पे question romantic comedy का आता है तो midsummer night dream की बात कर रहा है. तो don't get disturbed कि sir ने तो पता reformation play आएगा, romance आएगा, resolution आएगा, वो नहीं आया, यहाँ तो romantic comedy आ गई. क्या doctor question? Sorry. It's all about Midsummer 19. तो याद रखना यहाँ पे romantic comedy is all about Midsummer 19. Romantic comedy that we are having the most important thing in this is the characters. यहाँ पे अगर मैं इस play की बात करूँ तो यहाँ पे पक्का character बहुत important है सर. We do have several characters उनको use करना है. इन्हें पक mention भी वो dominant role play कर रहा है. तो यहां कैरेक्टराइजेशन इसमें आने वाली है. सो गाइस यू नीड टू क्लियर दीज थ्री थिंग्स मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम द मिडसमर नाइट ड्रीम. द फर्स्ट एनोटेशन जिनको कोर्स बोल सकते हैं. सेकंड वी हैव द रोमांटिक कॉमेडी. या दिस इज द रोमांटिक कॉमेडी. देन वी आर हैविंग द कैरेक्टराइजेशन. सर प्लॉट की बात करूं तो प्लॉट आपको क्लियर चाहिए, पूरा क्रिस्टल क्लियर, ताकि दिमाग में हर चीज क्लियर हो कि हम कैसे आंसर देने वाले हैं एंड हाउ वी गोइंग टू राइट द बेस्ट आंसर.
चलो नेक्स्ट वन यार, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊंगा कि क्या चीजें है क्या नहीं, आपको ब्रिटिश नामा का आंसर लिखते हुए ताकि एक भी गलती ना हो। चैनल सब्सक्राइब कर चुके अभी तक आप लोग नहीं किया तो नीचे लिंक है, प्लीज वहां क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। कम ऑन नेक्स्ट फेस अगेन विलियम शेक्सपियर वर्क हैमलेट, वन ऑफ द बेस्ट वी आर हैविंग इन अ पोस्ट। एंड देन हियर वी हैव The Hamlet. So again, beginning. Annotation, old quotes. From the test. याद रखना अभी तक तीन ड्रामा और तीनों में मैंने सबसे पहले एनोटेशन कोर्स बोले, क्यों? क्योंकि इन तीनों में डाउनलोड लेना था कोर्स और इनके आंसर लिखते हुए आपने कोट ऐड करने, यू हैव टू ऐड द कोट्स। कोट ऐड नहीं होते कहीं ना कहीं नेगेटिव इंप्रेशन आ रहा है और जो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, क्योंकि यहाँ तो नीरज या गुलीब बाबा जो आप पढ़ के पेपर देते हैं ना, नंबर 40 आता है सीरियसली। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट ऑप्शन, भी मार्केट में कोई है नहीं ऑप्शन नहीं आपके पास, दैट इज द रीजन आई क्रिएट माय ओन नोट्स फॉर माय नोट्स देने से अपने विचार के अनुसार। प्लीज नोट्स टू बी देयर हाउ विल इट बी, उसको किया गया, क्रिएट किया गया आपके लिए किया गया, उन नोट्स से कई बच्चे मार्क्स आ रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जरूरी कि मैंने उन्हें बताया कि आपको कैसे डील करना है, हाउ यू आर गोइंग टू वर्क आउट। तो यहाँ ध्यान रखना है आपने एनोटेशन का, एनोटेशन एंड क्विक नोट्स जिसको आप बोलते कोर्स फ्रॉम द टेस्ट, वो टेस्ट से उठा के डाल देंगे ताकि आपके दिमाग में रहे कि यार ये कोर्स है जिनको मैं ऐड करना आज समय। देन वी आर हैविंग द वर्ड, आई रिपीट द वर्ड एज अ स्टेज, द वर्ड एज अ स्टेज, सब प्ले इन अ प्ले, द मडर गोज ऑन गो। Remember, इस कॉन्सेप्ट को आपने दिए करना है तो आपने मतलब प्ले इन अ प्ले, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ले इन अ प्ले। द कॉन्सेप्ट प्ले इन अ प्ले, देन वी आर हैविंग द नेक्स्ट पार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज प्ले, या इट इज रिवेंज प्ले। We can say the tragic hero then we are having the most important part is characterization, ये वो पार्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं कोर्स प्रिपेयर करते हुए। Annotations, the concept of play in a play, the concept of revenge play, tragic hero characterizations and the concept of ghost. Remember the concept of ghost and dilemma. Suppose state to do or not to do. Last paper is the June ka, wahan pe aaye hue. Ye quote aap inhe sir kaise check karte hain, in cheezon ko clear karte hain, ye sab dimag mein hai. अगर मैं इन कोर्स को आंसर में ऐड करता हूं, मैंने जैसे बोला था कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है टीचर लोगों को, लगता है हाँ इसने टेस्ट को पढ़ा, इसको पता है कहां पे चीज को इंप्लीमेंट करना है। कोई भी कोर्स कहीं भी ऐड नहीं होता, उसके लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म, एक बेसिक कंस्ट्रक्शन करनी होती है आंसर में। तो आंसर की फॉर्मेशन पर ध्यान दीजिएगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो चुका मैं आपके लिए बनाऊंगा कि हम आंसर लिखते हुए क्या क्या ध्यान रखें। तो दीज आर द थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। कम ऑन नेक्स्ट वन, बेन जॉनसन प्ले द एल्केमिस्ट। तो गाइस प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, विल आई गोइंग टू रब दिस नाउ। सो हियर वी आर फ्रॉम द बेन जॉनसन्स द एल्केमिस्ट। The alchemist. Now, अब आपने कहा alchemist में हमें क्या करना है, इसके concept क्या है, किन चीजों को clear करोगे और कैसे draw करना है। वो alchemist में सबसे पहले the dramatic career of the writer. सर अभी तक मैंने बाकी बातें की, यहाँ पे और राइटर की बात जो मुझे क्रिस्टो मॉडल के लिए बोलना चाहिए डॉक्टर फोस्टर पे, लेकिन जब मैंने आपको कहा कि आप वीडियो देखें जाकर डॉक्टर फोस्टर की, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा, मैं उसके बारे में बताता हूँ, मैंने बताया है बहुत अच्छे से। तो यहां आपने क्लियर करना है सबसे पहले ड्रामेटिक कैरियर ऑफ बेन जॉनसन। यस
नेमेटिक राइटिंग स्टाइल, सर नेमेटिक राइटिंग स्टाइल की बात की तो मैंने कैरियर की बात की, कॉन्सेप्ट उसी से आता है, यहां ले लेना आपको। देन यू गाइस नीड टू क्लियर द कॉमेडी और द ह्यूमर, आई रिपीट द कॉमेडी और ह्यूमर इन अल्केमिस्ट। देन वी आर हैविंग द कैरेक्टराइजेशंस एंड लैंग्वेज, मेक श्योर language on the phonology is playing, and I must say that I'm going to add the plot. Plot को clear करना यहाँ बहुत important है। आप plot को clear करते हैं, कैसे करते हैं, किन concept को समझते हैं, वो जानना जरूरी है। That's the first of all. हमने कहा किन चीजों को clear करना है, कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए, ये आपके दिमाग में काम करेगा and it will work for you guys. तो आपने कहा सर हमें यहाँ क्या करना है, सर यहाँ पे आपने algorithm mention नहीं की because I don't think that word to do in this. लेकिन हाँ अगर आप proof याद करते हैं और उसको answer में implement करते हैं, that will work. Come to the next phase. So next में आना है तो we are having the playboy of the West world. The playboy of the western world, सबसे पहले जो इसमें आएगा आपको characterization, yes you guys need to clear the characterization जो सबसे पहले requirement होगी इसके अंदर आपके पास। Then you come to the annotations, number two annotation पहले नहीं है यहाँ पे annotations, then we are having the humor or I must say comedy. We are having comedy plus the plot summary, जो आपके लिए dominant role play करेगी in the playboy of the western world. आपने सब playboy of the western world को clear करना है, concept समझाना चाहिए, and why don't Jameson's writing style, please make sure the writing style, dramatic monologues के concept को clear करना है। यहाँ पे narrative techniques पे ध्यान दें please, इसमें आपने narrative techniques। तो गाइस ये हो गए बाकी दो, द अल्केमिस्ट एंड द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड देन कम अप टू द लास्ट टू। ये चार हमें क्लियर करने हैं, इन चारों को कैसे क्लियर करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, किन चीजों को क्लियर करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जाके, बेटर पार्ट कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है वो हम डिस्कस करते हैं। So the next part is Pygmalion. So Pygmalion को अभी तक छोड़ देते हैं स्टोन्स, कहते हैं Pygmalion नहीं बिगड़ने चलेगा, Pygmalion कहना यार सबसे मॉड है, रूल भी करता है वो, इसमें एनोवेशन डॉमिनेंट रूल भी करती है। तो गाइस द वर्क ऑफ बैनर्ड शॉ फ्रॉम Pygmalion, ये वी नीड टू डू द थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल Pygmalion, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना आपने इट्स इंग्लिश ड्रामा, अगर क्वेश्चन आता है इंग्लिश ड्रामा द रिस्टोरेशन पीरियड, देन गाइस पहले क्या करना, दिस इज फ्रॉम Pygmalion। अगर मैं लिखा हुआ है इंग्लिश ड्रामा फ्रॉम द रिस्टोरेशन पीरियड तो सर ये आप बंद करें बोल देंगे दिस इज द Pygmalion, हमें इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। तो पहला पॉइंट जो दिमाग में रखना है सर द इंग्लिश ड्रामा, सेकंड द कोर्स योर एनोटेशंस, आपने कहा सर कोर्स की बात की आपने ओवर एनोटेशंस, then we jump to the next part that is really important जो अब आया that is themes। सबसे पहले आपने कहीं भी theme की बात नहीं है, यहाँ पे theme बहुत dominant है, इसमें transformation थी पूरी एक लड़की जिसको भी workout किया गया from through the beginning to the last work के, तो उस पर ध्यान रखना आपने themes and the issues and then next the last and the most important one the dramatic structure that is in the play, dramatic structures,
द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। तो ये वो चार चीजें जो आपको क्लियर करनी है फॉर द पिगमेलियन। इसको अच्छे से करना यार, प्लीज सारे के सारे वीडियोस मैंने YouTube पे डाला हुए हैं, आप वहां जाके देखें। मैं कहानियां नहीं बताता सीरियस, आई डोंट टेल द स्टोरीज ओनली, मैं स्टोरी लाइन में आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या होंगे, थीम्स को ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मेरी वीडियो में होती, तो वहां से प्लीज फॉलो कीजिए। कम ऑन नेक्स्ट वन, द मर्डर इन द कैथेड्रल, टीएस इलिट वर्क। सब मर्डर इन द कैथेड्रल ये वो है जो 100% पेपर होता है, 100% मतलब वी कैन कंपेयर दिस विद द डॉक्टर फोर्सेस, जितना इंपॉर्टेंट हुआ उतना ही ये है द मर्डर इन द कैथेड्रल। आई रिपीट, सबसे पहले सर एनोटेशंस इसमें ऑन टिप होनी चाहिए आपको, जिसको आप बोलते हो कोट्स। देन वी आर हैविंग द क्वेश्चन ऑन टेम्पटेशंस अलोंग विद नाइट्स। तो आपने कहा एनोटेशंस, कोट्स, टेम्पटेशन, नाइट्स, रोल प्ले करता है, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स डॉक्टर रूप में करते हैं। ऐसा कैरेक्टर्स तो दो ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है बहुत। प्लॉट सही, इसको कुछ ज्यादा नहीं हो गया। यस वी डू हैव, ये सारे के सारे हमें करने हैं। एंड देन द थीम, ये सारी चीजें हैं आपको जो करनी है मर्डर इन द कैथेड्रल के लिए। तो पहली प्रॉब्लम ना, अगर आपने कहा सर मुझे पहला क्वेश्चन करना ही करना है जो एनोटेशन होगा कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, तो उसके लिए जिनको मैंने बोला है वांटेड करना। अब जब करने सेकंड लास्ट पे दैट लुक बैक इन एंगल एंड वेटिंग फॉर हॉट आउट, गाइस प्लीज इसको उतारें ताकि मैं आगे बढ़ूं। कम टू द लास्ट मिनट ऑफ दिस वीडियो क्लास एंड हियर वी आर with the final words. The look back in anger is a typical middle class family story. एक इंडियन फैमिली लगते हैं ना, नहीं कि यार टिपिकल सोसाइटी को दिखा रहा है जो हम फील करते सब कुछ। That is look back in anger. The first thing you guys need to clear is characters. Then come to the quotes or annotations. Then we are having the plot and theme. Remember, this is a plain story, a plain storyline. Kuch bhi alag nahi, except the deer and squirrel game, although we are having the character of Helen. वो जो वो म्यूट्स ऑफ फ्रेंड बैठा हुआ जिन्हें घर में हमेशा पेपर रीड कर रहा है, इन कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है तभी हम किस चीज को बहुत ढंग से जान पाएंगे। कम टू द लास्ट नॉट द लीस्ट, द वेटिंग फॉर गॉड ऑफ, फर्स्ट इज एन एम एम एन ग्रेट प्ले, गाइस ये ऑनटिक करना है एम एन ग्रेट प्ले, ये आपके दिमाग में थी। और यहां पे मैं आपको एनोटेशन नहीं बोल रहा क्योंकि इसकी एनोटेशन मिड पे बर्ड हो रहा है, तो पोज हो लकी होंगे या वेल पे नॉन फर्स्ट होंगे, यहां पे इंस्टाग्राम उनको बताना होगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो मुझे इसके कोर्स के लिए कोई भी रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। तो पहला एवन डेट पे या दिस एवन डेट पे वी आर हैविंग थीम, थीम को क्लियर करना सर, वेट सबसे बड़ी थीम है यहाँ पे, एंड द प्लॉट जो गुड फॉर नथिंग है। तो ये थे वो टॉपिक्स जो आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर एमईजी 2। अब रही बात सर पेपर को क्रैक करने के लिए कैसे लिखना है, उस टाइम बोला नेक्स्ट वीडियो भी वेट करना, जिससे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना, ये लाइक जरूर बनता है यार। बाय गाइस।